देवास में सीएम शिवराज का तेंदुपत्ता हितग्राहियों को जूता बांटने वाले मामले में घोटाला सामने आया है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 19 मई को तेंदुपत्ता हितग्राहियों को जूते का वितरण किया था। अब इन जूतों की वजह से हितग्राहियों के पैर खराब हो रहे हैं। नीमखेड़ा के रहने वाले दिनेश को भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने हाथों से तेंदुपत्ता हितग्राही योजना के अंतर्गत जूते वितरित किए थे। दिनेश ने जब 2 महीने तक इन जूतों को पहना, उसके पैर खराब होने लगे। पैरों में जूतों की वजह से संक्रमण हो गया। अब दिनेश संक्रमण के चलते सही से चल भी नहीं पा रहा है। उसने परिजनों और पूर्व विधायक श्याम होलानी, कलेक्टर डॉक्टर श्रीकांत पांडे को ज्ञापन दिया और कहा कि तेंदुपत्ता हितग्राहियों को मिले जूते मुख्यमंत्री शिवराज को वापस कर देना। महेश श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। महेश, आखिर क्या जानकारी मिल पा रही है कि किस वजह से लोगों के पैर खराब हो रहे हैं? क्या वाकई ये जूते खराब हैं? मैं बताना चाहूंगा कि अभी तो हितग्राही को जूते बांट रहे थे शिवराज सिंह चौहान ने, उसके चलते संक्रमण फैलने के कारण लोगों के पैर खराब होते जा रहे हैं जी। और दिनेश जी के पास में जॉब कार्ड दीनदयाल वाली डायरी होने के बाद भी उनका इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा है। और वो कल श्रीकांत पांडे जी जो कलेक्टर देवास कलेक्टर जी के पास आए थे तो उनने जूते वापस करने का नेता दिया था, शिवराज सिंह चौहान जी को जूते वापस करने का बोला जी। जी महेश, अब तक कितने मामले सामने आए हैं जूते खराब होने के चलते पैर खराब होने के? ये करीब करीब ये तीसरा मामला आया है सामने और सभी हितग्राहियों से निवेदन किया गया है कि ये जूते वापस शिवराज सिंह जी चौहान को सारे जूते जो बांटे गए हितग्राहियों को तेंदुपत्ता हितग्राहियों को वो वापस कर दिए जाए। जी जी महेश, फिलहाल जिस युवक के पैर खराब हुए हैं जूतों के चलते उसका क्या कुछ कहना है? वो बता रहा था कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ और मेरे जूते के कारण जो पैर खराब हुए, मैं देवास जो कलेक्टर जी है श्रीकांत पांडे जी उनसे निवेदन करा कि सर मुझे उपचार के लिए कुछ ऐसी राशि दी जाए जिससे मेरा इलाज हो जाए। वहाँ इंदौर MY भी गए थे जहाँ पर उनके पास जो डायरी दी गई है दीनदयाल वाली डायरी, उसके अंतर्गत भी उनका उपचार नहीं हो पा रहा है जी। जी महेश, इस युवक ने जहां अपना इलाज कराया है वहां के डॉक्टर का क्या कुछ कहना है कि किस तरह की बीमारी इस जूतों से पैदा हो रही है? ये तो बता नहीं पाऊंगा क्योंकि ये इंदौर में MY हॉस्पिटल में इनने इलाज कराया था जी। बाकी इससे मैं मुझे कुछ भी नहीं मालूम है वहाँ।